मेरे चैनल से अच्छी तैयारी करने के लिए, अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, तो हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। तो क्या है, स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर एक क्या है, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? तो नाविकों का देश कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक नंबर का ए नंबर, यानी मेलुहा। मेलुहा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आई हुई है, देख लेते हैं क्या है दूसरा नंबर। क्या है, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो किस अंक का प्रयोग करते थे, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या, आपके पास चार ऑप्शन में चार है, बाहर आठ, सोलह। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयोग करते थे, तो ए नंबर राइट आंसर, यानी चार अंकों का प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चौथा तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे आप लोग क्या है, चंद हुद्रो उत्पादन केंद्र था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप शायद एक भी दिन नहीं पढ़े होंगे, तो यह क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी अगर आप पढ़ के रखेंगे तो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। क्या है, चंद्रहुद्रो उत्पादन केंद्र था। तो क्या उत्पादन चंद्रहुद्रो में, हुद्रो में क्या उत्पादन होता था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो तीन नंबर का बी नंबर, यानी मक्का यानी उत्पादन करता था मक्का, राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर गलत है, मनका दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आप लोग क्लियर कर चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है चौथा नंबर क्वेश्चन, अशोक का शासनकाल था, अशोक का शासनकाल क्या था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं चार नंबर का बी नंबर, यानी 259 से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पाँचवा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से। क्या है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया था, यानी कब पढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पाँच नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी 1837 में पढ़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे आप लोग, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे चार ऑप्शनों में से, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा होगा, यानी छः नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी विशाख दत्त ने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन 17वां नंबर आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, तो सात नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सात नंबर का सी नंबर, यानी चंपा, अंग जनपद की राजधानी चंपा, राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आठ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। क्या, द्विज के अंतर्गत कौन है? द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी प्रथम तीन वर्ण, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से नौ नंबर क्वेश्चन। क्या है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नौ नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी ऋग्वेद में है, राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। क्या है, दस नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी 10 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी गुप्त वंश का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था, किसको अधिकार था? तो इसका हम लोग स्किप करके देख लेते हैं आंसर। तो राइट आंसर की बात करेंगे इन चारों में से, तो ए नंबर राइट आंसर, यानी क्षत्रियों को। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग, कार्ले के चैत्य का किसने निर्माण करवाया, किसने निर्माण कराया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 12 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर, क्या होगा, पहाड़ी चट्टानों से इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग। क्या है, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल है? तो बौद्ध के सबसे पवित्र स्थल क्या है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर, यानी स्तूप, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग। क्या है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया?
तो 14 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर यानी महाभारत, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नुमा लिखा, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का ए नंबर यानी अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे 16 नंबर का बी नंबर यानी 1336 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 14 नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर यानी कृष्णदेव राय महानतम शासक था विजयनगर का। अब 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 नंबर का यानी बी नंबर यानी अकबर का वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे लोग पूरी तरीके से क्या है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन थे, तो अनुवादक कौन थे, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 19 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। राजकुमार दारा का संबंध किससे था, राजकुमार दारा का संबंध किससे था, तो राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर यानी कादरी, राइट आंसर कादरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग क्या है। सूफी मत का फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 नंबर का डी नंबर यानी बिहार में पनपी थी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आ चुकी है पूरी तरीके से क्या है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता किस नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी मोरक्को का यात्री था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से 23 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से क्या है 23 नंबर। मध्ययुग यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, मध्ययुग यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे 23 नंबर का बी नंबर यानी मार्को पोलो को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 24 नंबर का डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 25 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी जहांगीर ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं 26 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे आप लोग पूरी तरीके से क्या है। अकबर का वजीर कौन था, तो अकबर का वजीर कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर यानी बैरम खा था, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। कॉर्नवालिस कोड बना यानी कॉर्नवालिस कोड कब बना था, तो राइट आंसर की बात करेंगे बी नंबर यानी 1793 ईस्वी में कोड बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप लोग। जमींदारी प्रथा भारत में किस राज्य में लागू हुआ, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 28 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी बंगाल में हुआ था लागू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी केनिन, राइट आंसर केनिन बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं। केरिन से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 30 नंबर का बी नंबर डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 31 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है, प्लासी का युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना,
बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 नंबर का ए नंबर यानी क्लाइव, राइट आंसर क्लाइव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुकी है पूरी तरीके से, देखवा रहे आप लोग क्या है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 33 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी मीर जाफर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर मीर जाफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुकी है पूरी तरीके से 34 नंबर क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 34 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी 1911 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किसके लिए किया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 35 नंबर का बी नंबर यानी नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से 36 नंबर क्वेश्चन है, देखवा रहे आप लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे 36 नंबर का बी नंबर यानी 1931 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 37 नंबर का बी नंबर यानी 1931 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग क्या है। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 38 नंबर का बी नंबर यानी मंगल पांडे ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 39 नंबर क्वेश्चन। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर 1947। तो आ चुकी है, देख पा रहे हम लोग, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 40 नंबर का सी नंबर यानी सी गोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए, तो इसी तरह के 10 सेट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किए, लाइक कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।